हाँ जी बाबा जी, की नाम जी अपना? मैं भाई गुरजंट सिंह जी, खड़ ग्रंथी गुरद्वारा तेग बहादुर साहब। अब जो सावन महीने संगरान के पवित्र दिहाड़े सारिया संगतों वालों मनाए गए ने, सो उत्थे ही जो इस गुरु घर वालों इस प्रबंधक कमेटी वालों सारे मैंबर हाजिर खड़े, गुरदीप सिंह दीपा जी, डॉक्टर गुरेवाल साहब और बहादुर सिंह जी डी साहब, इस गुरु घर के प्रधान मिंदरपाल सिंह जी और होर संगत खड़ी है, मलकीत सिंह जी खड़े ने, महेंद्र सिंह जी परोथी, ये सारे ने रल मिल के संगत नाल जो उपराला किया सी, तकरीबन 35-36 लख की जो जगह ली है वो बहुत परिवारों ने अपने पहला इन्होंने आप भी अपने वालों अपने परिवारों वालों रिश्तेदार वालों सारे वालों उन्होंने लिया के जो योगदान पाए ने उत्थे ही इस गुरु घर नूं जो पहला ये जिहड़ा गुरु घर बनया होया इस स्वर्गवासी साहिब दर्शन सिंह जी बजाज उन्होंने इस गुरु घर नूं इह जगह दित्ती, तो संगतां ने इहनूं जगह नूं बनाया, वो भी योगदान पाउंदे रहे, संगत भी पाउंदी रही, सो हुण भी सारी संगत दे सहयोग नाल उन्हां दे सहयोग नाल उन्होंने भी हुण भी 5 लख रुपया जो इस कार्ज वास्ते भेजिया है, सो सारिया संगतां दा असीं प्रबंधक कमेटी वालों संगत वालों बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और होर भी बेनती करते हैं थोड़ा जिहा जो साढ़े कोल थोड़ा जिहा रजिस्ट्री दे विच दिन भी बाकी ने, थोड़ी माया की भी घाट है, इस करके होर भी परिवारों नूं बेनती करते हैं क्योंकि संगत की तलफुलना यह सारा कुछ बनना है, सारा बेनती करते हैं कि सारिया संगत जरूर भाई कोई अपना भैन भरा रिश्तेदार किस तो भी थोड़ी बहुती जितनी भी आप हिस्सा पा सकते हैं जरूर प्रबंधक नाल संपर्क कर मेरे नाल संपर्क कर। सो अंत में सारिया संगत का बहुत बहुत धन्यवाद, गुरु साहब अगे अरदास की सारे की कि गुरु साहब सारे चढ़दियों कलम रखन, इस गुरु घर में तरक्या वाल जा। सो इन बेनती खेमा दाचक, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू। मेरा नाम अमिंदर सिंह परोथी, उप प्रधान गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहब, तो मैं वाहिगुरू जी का खालसा सब तो पहला वाहिगुरू जी की फतेह वालों। तो जो असी ये कार्ज अज तो 3-3.5 महीने पहला प्लाट की जो संगतों को बेनती अपील की लिया गुरु घर की प्रबंधक कमेटी सारी सहयोग नाल संगत सहयोग नाल असी कार्ज जो बहुत जल्द नेड़े हो गया रजिस्ट्री के टाइम पर, तो संगतों का बहुत ज़्यादा उत्साह मिलिया, तो सानू पहला टेंशन सी भी पैसा कितों होगा, पर गुरु ग्रंथ साहब गुरु तेग बहादुर साहब जी ने कृपा करती संगतों के मन में, यह फंड सानू 27 लख रुपए के करीब इकट्ठा हो गया, तो 36 लख की जगह है कुछ रजिस्ट्री का खर्चा है, तो असी यही अरदास करते हैं गुरु साहब परमात्मा अगे भी सारे साढ़े जो इतों की प्रबंधक कमेटी है जां साडी संगत है इन्हां नूं तंदुरुस्ती देवे, तो आने वाला जो समा साडा है असी इस तरह ही जिवें अज जुड़िया संगत दे विच कट संगत जुड़िया इस तरह ही गुरु घर नाल संगत जुड़ी रहे, प्रबंधक कमेटी उपराले करती रहे, संगत उपराले करती रहे, तो जो रजिस्ट्री का जो कार्ज है वो साडा नेड़े लग गया, तो मेरा ख्याल कोई दिक्कत नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी, गुरु महाराज आप ही यह कृपा करके कार्ज पूरा कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सब तो ज़्यादा मैं संगतों का करदा जिन्होंने सहयोग करके सानूं जो प्लाट का लीकिया से समा वो मुताबिक असं पूरा कर रहे हैं, बहुत बहुत सर। अपना नाम की है जी? वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। मेरा नाम बहादुर सिंह है जी, मैं इस गुरुद्वारा तेग बहादुर दा ट्रस्ट की मैंबर भी हाँ। असी सारे समूह साध संगत का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि असी साढ़े गुरद्वारा साहब नाल लगती थान असी 200 गज खरीद करनी है जिड़ी कि तकरीबन साढ़े को 36-37 लख का खर्चा है, संगत के सहयोग नाल सानू हुण तक 27-28 लख रुपये की जिहड़ी है भेटा प्रवान हो चुकी है, जिहदे विच क्योंकि गुरद्वारा साहब पहला तो साडा इत्थे स्थापित है, पहला इत्थों के जिहड़े बजुर्गों ने इहनूं स्थापित किया उन्होंने परिवार वालों भी कनेडा से सानू 5 लख रुपये की भेटा भेजी गई है, संगत वालों बहुत उत्साह है, वो बड़े क्योंकि इस गुरद्वारा साहब के कोई होर अजिही अचल जायदाद नहीं जिहदे तों सानू आमदन हुंदी होवे, इह सारी आमदन असीं जिहड़ी साडी भाई अपने लालोवाली कमाई नाल सारे इत्थे जिहड़ी पूर्ति हो रही है, संगत का किसी 10 रुपये 50 रुपये 100 रुपये 1 लख रुपया किन्ना भी जिन्ना भी किसी ने दिता असीं उह सारिआं दा सिर मत्थे मानदे होए उहनूं प्रवान करदे हां, ते असीं सारी संगत का खास तौर पर असीं मलेरकोटला निवासी भरावां भैणां सारे परिवारों का हिंदू सिख सारे जिन्होंने इस विच आके अपनी शमूलीयत की उन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, परमात्मा अगे असीं अरदास करते हैं कि सारे इस शहर नूं ते इस मोहल्ले नूं इस सारे इस गुरद्वारा साहब के जिन्हें भी श्रद्धालु ने उन्होंने अपनी मेहर भरिया हथ रखे तो उन्होंने अगे खुशी भरी जिंदगी बख्शे, असीं सो ये आस करते हैं कि सारे परिवार
असी जिन्हें भी असी गुरद्वारा साहब ना जुड़े हाँ असी काम करो लोह हंकार तो निवर्त होइए अते असी सारे इकट्ठे हो के गुरद्वारा साहब के सहयोग करिए ते इस नूं अगे जा के दिन दुगनी दिन चौगनी असी इनू अगे अपने बुलंदी वल जाइए। सो इन्हां शब्दां नाल मैं सारा इस सारे पत्रकार भरा का भी असी बड़ा धन्यवाद करते हैं कि सिखी सरूप के मैं पत्रकार प्रेरक नूं वेख रहा तो सो मैंने बड़ी खुशी हो रही है कि साड़ियां भावनावां नूं समझते हुए सारे पहुँचाएंगे। सो वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी।